जी क्लास देखें, आपको एक्सरसाइज के अंदर कह रहे हैं, क्वेश्चन में है सॉल्व द फॉलोइंग, आपने सॉल्व करना है। लास्ट क्लास में भी किया था, बस फर्क ये था कि फ्रैक्शन के बीच में पॉजिटिव साइन था लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है। आप सॉल्यूशन में आएंगे, आपको सबसे पहले पता है आपने क्वेश्चन को लिखना है, अगर मिक्स फ्रैक्शन हो तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आपने कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपने वो तीनों फ्रैक्शन लिख लिए। उसके बाद देखें बीच में नेगेटिव साइन है और फ्रैक्शन में वैल्यूज गिवन है, तो आप नीचे वाले तीनों डिजिट्स का एलसीएम ले लीजिएगा। हम एलसीएम लेते हैं नीचे वाले तीनों डिजिट्स का। डिजिट कौन कौन से हैं? 3, 4 और 6। आप एलसीएम लें बेटा, पहले 2 से एलसीएम लेते हैं, देखें 3 वैसे ही नीचे उतार देंगे, 2 2 द 4, 2 3 द 6। फिर 2 से एलसीएम लेंगे, 3 वैसे ही नीचे उतार देंगे, 2 1 द 2, 3 वैसे ही आ जाएगा। अब एलसीएम लेंगे 3 से, 3 1 द 3 और 3 1 द 3। अब देखें जो तीन हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं इसके, उनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और मल्टीप्लाई करवाने वैल्यू क्या आएगी? 2 2 द 4, 4 3 द 12। हमारे पास एलसीएम जा गया बेटा 12। आपने इसी तरीके से यहाँ पर एक बड़ी लाइन लगानी है, नीचे लिख देना है 12। अब आपको पता है कि हम इस वाले नंबर को इतना पढ़ते हैं कि 12 आ जाए, 3 4 12, तो 4 आपने वो ऊपर लिखना है, साइन लगाना है मल्टीप्लाई का, जो उसके ऊपर डिजिट लिखा है उसको नीचे उतार देंगे, ठीक है। फिर जो बीच में साइन है वो साइन लगाएंगे, 4 पर इतना पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, 4 3 12, साइन मल्टीप्लाई का लगाएंगे, जो डिजिट ऊपर लिखा है उसको नीचे उतार देंगे। फिर अगला साइन लगाएंगे माइनस का, 6 कर भी इतना पड़ेंगे 12 आ जाए, 6 2 12 होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जो डिजिट ऊपर लिखा है उसको नीचे उतार देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 बेटा ये 8 हो जाता है, माइनस का साइन आएगा, 3 1 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 1 3 हो गया, साइन माइनस का लगेगा और 2 1 2 हो गया, अब पाउंड में आ जाएगा बेटा 12। अब देखिए 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचता है? 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 बचता है, ये माइनस का 2 7 आ जाएगा, अपाउंड में आ जाएगा 12। अब देखिएगा 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचता है 3 अपाउंड 12। आप इसको इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं कि 3 अपाउंड 12 है, लेकिन अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कट कर दीजिएगा, 3 1 3, 3 4 12, तो 1 अपाउंड 4 भी इसका आंसर हो सकता है और 3 अपाउंड 12 भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है।